असाइलों वाले शहजादों के लिए जनाब मेरा सलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करीम के नाम से हाजिर हो गया हूँ। अच्छा, असाइलों रखने वाले जिनके पास वाइट कार्ड है, नया है या पुराना है, जितना भी है, उनके लिए असाइलों सर्विस ने ये कहा है कि आप 18/4/2021 यानी कि 18 अप्रैल तक, ये असाइलों सर्विस की प्रेस रिलीज है, वो कहते हैं कि सिर्फ जरूरी काम, इमरजेंसी काम होंगे और सिर्फ उन अफराद को आना होगा जिनकी अपॉइंटमेंट्स तय हैं। और उन्होंने साथ ये भी हदायत की है कि जिनकी अपील है, अपील वाले हर हाल में आएंगे। फॉर एग्जांपल, अपील क्या होती है? अपील ये होती है कि आपका फैसला आ गया है, फैसला आने के बाद उन्होंने आपको 30 दिन दिए हैं, 30 डेज, 1 माह, तो उसमें 31 दिन की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, फैसला आ गया है, फैसले पर अगर उन्होंने आपको अपील का हक दिया है तो वो कहते हैं कि वो अफराद लाजिम आ सकते हैं, आए। इंटरव्यूज भी सिर्फ उनके होंगे जिनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी गई है। अगर आपके पास तयशुदा शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो फिर आप जाएंगे। और बशर्ते दीगर उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल तक काम मुख्तसर होगा, यानी कि जैसे आप पंजाबी में पूछते हो खुला है जी के नहीं, तो उन्होंने कहा है खुला है, लेकिन ऑनलाइन सर्विस के तहत अगर टाइम तयशुदा है तो फिर आप आए, अगर तयशुदा टाइम नहीं तो फिर आप नहीं आएंगे। इंटरव्यू का भी उन्होंने कहा है कि कुछ सेंसस में होंगे, लेकिन अगर तयशुदा टाइम है तो फिर। इस सूरत हाल में उन्होंने जो है ना नोट फरमाने अतीका यानी के कातेखाकी वाला साइलम सर्विस आलिमोस, पिरियास, कोरिंथोस, थिसलोनिकी और लेस्बोस में उन्होंने कहा है कि इंटरव्यूज होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, क्रीति भी है, कोस भी है और लेरोस है, ये मुख्तलिफ याना भी इसमें शामिल किया गया है और पात्रा भी। ये सेंटर्स जो है उन्होंने कहा है कि 18 तारीख तक जो है वो आप जो है करेंगे। अच्छा, इंटरव्यूज वालों के लिए खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको टेलीफोन कॉल आए, तस्दीक हो, तो फिर उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यानी कि तय हो जाए टाइम तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जरूर जाएंगे। अच्छा, इसमें अब यही बुनियादी चीजें हैं जो मैं देख रहा था कि आपके लिए क्या क्या है। अपील सेंटर्स असाइलम सर्विस ने आपको ये हदायत की है, प्रेस रिलीज जारी की है और मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। ठीक है जनाब, अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ऐसा है कि जो उन्होंने खास हदायत असाइलम सर्विस ने की है कि आपने एप्लीकेशंस करनी है, दरखास्त करनी है ऑनलाइन, वो पता है ना migration.gov.gr पर, तो उन्होंने कहा है कि आप उस पर जाएंगे और अपनी अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि टाइम तय करने के लिए दरखास्त भेजेंगे। और जहां आप दरखास्त भेजेंगे वहां अक्सर आप पूछते हैं जी सब्जेक्ट की जगह क्या लिखें, सब्जेक्ट की जगह आपने वो चीज लिखनी होती है जो आप चाहते हैं, यानी कि आपने टाइम तय करना है तो फिर आप अपॉइंटमेंट लिखेंगे, अगर रिन्यूअल करनी है तो आपने रिन्यूअल लिखना है, तो इस तरह आप अपॉइंटमेंट लिखेंगे कि मुझे टाइम तय करना है। किस सिलसिले में? रिन्यूअल के सिलसिले में, नाम की तब्दीली के सिलसिले में, कौन सा क्या क्या क्या, वो ढेर सारी चीजें हैं फिर उस सिलसिले में। यह है बुनियादी चीज जो असाइलम सर्विस ने प्रेस रिलीज में कही और मैंने आप तक पहुंचा दी। लीजिए, अब आप अमल करेंगे और मैं आपके लिए नई चीजें तलाश करूंगा। अल्लाह के हवाले, अस्सलाम वालेकुम।